हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेल्फ क्रिएशन। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सर्किट के अंदर जो ये एमओवी होती है ये क्या होती है और इसका एलईडी बल्ब के सर्किट में क्या यूज़ होता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो का अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उसके साथ जो बेल आइकन का बटन आता है उसे भी ज़रूर दबाएँ, ये एकदम फ्री है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं ये एमओवी दो कलर की आती हैं, एक तो जैसे नीले कलर की है और एक ये ग्रीन कलर की, जैसे यहाँ आपको चमक रही होगी ये ग्रीन कलर की। इनके अंदर कलर की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कलर की आ सकती है आप। और एमओवी जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ये ब्रिज है, एमओवी इस ब्रिज के दोनों तरफ लगाई जा सकती है, जैसे ये दो लैग हैं और ये दो लैग हैं, इसके इस तरफ भी लगाई जा सकती है और इस तरफ भी लगाई जा सकती है, ये एमओवी दोनों तरफ लगाई जा सकती है। अब इसका काम मैं आपको बता दूं, इसका काम एक तरह से फ्यूज का काम होता है। जैसे इसके अंदर ये रेजिस्टेंस का काम है ना, जैसे ये रेजिस्टेंस फ्यूज का काम कर रही है ऐसे ये एमओवी फ्यूज का काम कर रही है, ठीक है। इसके जैसे अगर ये उड़ जाती है तो ये आगे करंट सर्किट के अंदर सप्लाई नहीं कर रही, जैसे रेजिस्टेंस फ्यूज पे लग रही है तो जैसे इसके अंदर से करंट पास होता है और ये उड़ जाती है तो सर्किट के अंदर करंट नहीं जा पाता, ऐसी इसके अंदर एमओवी का काम है। जब इसे हम फ्रंट में लगा देते हैं एमओवी मतलब ब्रिज के इस तरफ लगा देते हैं तो ये भी यही काम करती है, ये खुद उड़ जाती है सर्किट के आगे, मतलब इस अंदर सर्किट के अंदर करंट नहीं जा पाता, ये यहीं सर्किट का मतलब करंट को रोक देती है, ठीक है। और इसको लगाने की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, आप इसे किसी भी तरह से लगा सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर दिखा दूं, ये बीच में चार डायोड लग रहे हैं इस सर्किट के अंदर, एक सर्किट के इधर लग रही है और एक एमओवी दूसरे सर्किट के दूसरी तरफ लग रही है, मतलब डायोड के दूसरी तरफ लग रही है। आप इसके कनेक्शन देख सकते हैं, ये दोनों यहाँ आ गए और ये दोनों यहाँ आ गए, तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और जब ये उड़ जाती है तो उड़ने के बाद कुछ इस तरह से कहाँ गई फटी हुई, जैसे इसके अंदर आपको मैं दिखा दूँ किस तरह से फट जाता है एमओवी, चलिए कोई नहीं, मतलब आपको चमक रहा होगा ये फट जाती है एक तरह से। फटने के बाद क्या होता है, ये बल्ब जला देती है एक तरह से, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अगर इसके पहले कोई भी चीज़ लग रही है, जैसे शुरू में लग रही है और शुरू में लग रही है तो इसके शुरू में एक के पहले फ्यूज आ रहा है तो ये पहले इसका फ्यूज उड़ जाएगा और ये भी साथ में उड़ जाएगी और ये आगे करंट आगे पास नहीं होने देगी सर्किट के अंदर, ठीक है। अगर ये जिस तरह से मतलब इस तरह से जैसे यहाँ लग रही है टप लड़के पल्ली तरफ लग रही है, मतलब ब्रिज के दूसरी साइड लग रही है, यहाँ से एसी के करंट आते हैं जाते हैं, हम डालते हैं इनपुट डालते हैं, इधर से आउटपुट जो आती है डीसी में निकलती है, हम इसे डीसी की तरफ भी लगा सकते हैं। अगर ये डीसी की तरफ से उड़ती है, अगर इसके शुरू में फ्यूज लग रहा तो फ्यूज उड़ जाएगा, अगर हम फ्यूज का यूज नहीं करते हैं तो सीधा ये ब्रिज उड़ जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर ये मतलब ये एमओवी यही काम करती है, फ्यूज का काम करती है सर्किट के अंदर, ठीक है। और तो इसके अंदर ऐसा खास कुछ काम है नहीं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको सीखना है कि हम इस तरह की सीरीज किस तरह से बनाते हैं, हमने ये सीरीज किस तरह से बना रखी है, तो इसके राइट पे क्लिक करें, राइट में ऊपर वाले कॉर्नर पर क्लिक करें, इस यहाँ पर एक वीडियो आ रही होगी तो यहाँ से आप सीख सकते हैं कि हमने ये सीरीज किस तरह से बनाई। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। ओके, बाय बाय दोस्तों।